हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बैंकिंग, पेंशन और वेज रिवीजन के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेंशनर्स के लिए, रिटायर्ड जो बैंकर्स हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन पे डिस्कस करेंगे और ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था ये वन रैक वन पेंशन और प्रो बोनो पे बेस्ड था। प्रो बोनो मीन्स विदाउट एनी कॉस्ट टू एप्लीकेंट, मतलब कि सभी जो पेंशनर्स हैं, रिटायरीज हैं, उनको जो एक रैंक के हैं उनको एक पेंशन मिलनी चाहिए, वन रैंक वन पेंशन। और इसके लिए जो चाहे पहले रिटायर हुए हैं उन्हें उसके लिए कोई भी कॉस्ट है वो बियर नहीं करनी पड़े। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ 2015 को एक जजमेंट दी थी जिसके बारे में श्री एस एल सेन गुप्ता ने आईबीए को लेटर लिखा था, लेकिन बाकी यूनियंस ने इसे लेके कोई भी स्टेप नहीं उठाया। अगर यूनियंस सारी इकट्ठी होकर सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को, आईबीए को इम्प्लीमेंट करने को कहती तो अब तक पेंशनर्स की जो पेंशन है वो अपडेट हो चुकी होती और सबको ऑलमोस्ट इक्वल पेंशन मिलती, वन रैंक वन पेंशन मिलती। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो पहला पॉइंट था उसमें लिखा गया था कि पेंशन एक राइट है, ये गवर्नमेंट की मर्जी से नहीं मिलेगी। मतलब कि ये नहीं कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो पेंशन बढ़ेगी, नहीं चाहे तो नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेंशंस पेंशनर्स का एक अधिकार है और इसे रूल्स के अकॉर्डिंग ही देना चाहिए और जितने भी पेंशनर्स हैं वो पेंशन के लिए हकदार हैं। नेक्स्ट पॉइंट था जो जजमेंट में, उसमें कहा गया था कि जो पेंशन की रिवीजन है और जो पे स्केल्स की रिवीजन है वो इनसेपरेबल होनी चाहिए। मतलब कि जब वेज सेटलमेंट होती है, बाइपार्टाइट सेटलमेंट होती है, उसके साथ पेंशन की अपडेशन भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट थी। थर्ड पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी पेंशन अपडेट होनी है वो मिनिमम पे बैंड के 50% के बेसिक पे से कम है, जो इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। मीन्स की मान लो कि जो सबसे नीचे वाला पे बैंड है उसकी बेसिक पेंशन का जो 50% बनता है, कम से कम उतनी पेंशन है वो इंक्रीज होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट था उसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल बर्डन का बहाना बना के पेंशनर्स का जो अधिकार है उससे उनको मना नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेंशन एक अधिकार है, ये कोई गिफ्ट नहीं है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, ये पेंशनर्स का हक है। और ये जो जजमेंट दी गई थी ये डीएस नकारा केस पे बेस्ड थी और इस जजमेंट में बहुत ही क्लियर तरीके से बताया गया है कि जो पेंशनर्स की पेंशन है वो टाइमली अपडेट होनी चाहिए और हर वेज रिवीजन के साथ, हर सेटलमेंट के साथ अपडेट होनी चाहिए और इसके साथ साथ सभी को एक समान पेंशन मिलनी चाहिए, वन रैंक वन पेंशन का रूल एप्लीकेबल होना चाहिए। लेकिन किसी भी यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पे ध्यान नहीं दिया और ना ही आईबीए को इसके लिए कोई लेटर लिखा, तो इसीलिए ये पेंशनर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप भी चाहते हो कि बाकी सारे पेंशनर्स तक भी इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और बाकी भी जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं उन्हें भी पता चले कि बैंकर्स और रिटायर्ड बैंकर्स उनको कैसी सैलरी मिलती है, कैसी पेंशन मिलती है और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।